हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 91 के बारे में। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स कवर करेंगे जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स सीरीज है उसके करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आपके NTA UGC नेट पेपर 1 के लिए करंट अफेयर्स बनते हैं। इस वीडियो में आपके सेप्टेम्बर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, और इसके अलावा फ्रेंड्स हम जनवरी से लेकर अगस्त तक के मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। वो वीडियोस भी आपको ऑलरेडी चैनल पर मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री यानी कि सौर वृक्ष वो स्थापित किया गया है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज़ बीन रैंक्ड दी वर्ल्ड्स नंबर 1 इन सोलर कैपेसिटी, यानी कि किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को सौर क्षमता में दुनिया का नंबर 1 स्थान दिया गया है। वो कंपनी है ऑप्शन डी अडानी ग्रीन, जो कि एक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसे वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक मिला है सोलर कैपेसिटी में। करंटली जो है ये कंपनी अडानी ग्रीन ये वर्ल्ड की टॉप सोलर डेवलपर है अराउंड 2.3 गीगावाट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिन्हें कलेक्ट किया जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे कि सनलाइट, विंड, रेन, टाइड्स यानी कि ज्वार, वेव्स यानी कि लहरें, और जियोथर्मल हीट यानी कि भूतापीय गर्मी से रिन्यूएबल एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन वाज वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 2 सितंबर को, और इस दिन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस दिन को सेलिब्रेट करने का कि अवेयरनेस क्रिएट करना अक्रॉस द ग्लोब किसके बारे में, कोकोनट के इम्पोर्टेंस के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ सेट अप अ बायोडाइवर्सिटी काउंसिल टू डॉक्यूमेंट इट्स बायोडाइवर्सिटी, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता के दस्तावेज के लिए एक जैव विविधता परिषद की स्थापना की है। ये की गई है ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया ऑप्शन डी 8 सितंबर को, और इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है 8 सितंबर को ताकि रिमाइंड किया जा सके सभी को कि लिटरेसी की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि साक्षरता का क्या महत्व है इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए और सोसाइटीज़ के लिए। और इस साल यानी कि 2020 का इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस पर फोकस करता है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द COVID-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ऑप्शन डी परेश रावल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन शॉर्ट NSD ये क्या है, इंडिया का प्रीमियर थिएटर इंस्टीट्यूट है, और ये पोस्ट कब से खाली पड़ी थी चेयरमैन की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, 2017 से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व्ड, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल ऑप्शन बी 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर ऑब्जर्व्ड, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था। ये मनाया गया था ऑप्शन सी 16 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर यानी कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि विश्व ओजोन दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे, और इस बार का थीम क्या था 2020 का, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, यानी कि इस बार 35 साल कंप्लीट हो चुके हैं किसको, वियना कन्वेंशन को। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इस बार का जो वर्ल्ड ओजोन डे था उसने सेलिब्रेट किए 35 ईयर्स किसके, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर के। 1985 में वर्ल्ड्स गवर्नमेंट ने क्या किया था, अडॉप्ट किया था यानी कि अपनाया था किसे, वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर को।
16 सितंबर को डेजिग्नेटेड किया गया था, नामित किया गया था किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। क्या नामित किया गया था, क्या डेजिग्नेटेड किया गया था? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर या फिर वर्ल्ड ओजोन डे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि 16 सितंबर को किसने डेजिग्नेट किया था वर्ल्ड ओजोन डे, तो ये किया गया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इंडियन वॉज नेम्ड बाई द UN इन द लिस्ट ऑफ 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के लिए युवा वर्ग के 2020 वर्ग की सूची में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को नामित किया गया था? उस इंडियन पर्सनैलिटी का नाम है ऑप्शन बी उदित सिंघाल, जिन्हें नामित किया गया है यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट में। ये हाईएस्ट प्रोफाइल रिकग्निशन अपॉर्चुनिटी देती है, यानी कि पहचान के अवसर देती है किनके लिए? यंगस्टर्स के लिए, जो वर्ल्ड के मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनमें लीडिंग एफर्ट्स कर रहे हैं। ये इश्यूज हो गए जैसे कि ग्लोबल चाइल्ड हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन, ओशन कंजर्वेशन, वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी, एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी कि वन्य जीव संरक्षण एट्सेट्रा। ये वर्ल्ड के कुछ मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज हैं जिनमें यंगस्टर्स लीडिंग एफर्ट्स कर रहे हैं। इस लिस्ट के द्वारा उन यंगस्टर्स की पहचान की जाती है जो इन इश्यूज में लीडिंग एफर्ट्स कर रहे हैं। उदित सिंघाल ग्लास टू सेंड के फाउंडर हैं, जो कि एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम है, यानी कि जीरो वेस्ट पारिस्थितिकी तंत्र है, जो दिल्ली में कांच के कचरे के बढ़ते खतरे को संबोधित करता है, यानी कि एड्रेस करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच नेशन विल को होस्ट ग्लोबल क्लाइमेट समिट इन दिसंबर अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के साथ दिसंबर में कौन सा राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा? वो नेशन है ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, जो कि को होस्ट करेगा ग्लोबल क्लाइमेट समिट को। कब? दिसंबर में। किसके साथ? यूनाइटेड नेशंस के साथ। और साथ ही साथ 12 दिसंबर को इस बार 5th एनिवर्सरी होगी किसकी? पेरिस एग्रीमेंट की, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस साल। पेरिस एग्रीमेंट किससे डील करता है? जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसका एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसका मिटिगेशन करने के लिए है, यानी कि उसको कम करने के लिए है, पेरिस एग्रीमेंट उससे डील करता है। इस एग्रीमेंट में कौन कौन शामिल होंगे? गवर्नमेंट्स, लीडर्स, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, जो प्रेजेंट करेंगे हाई क्वालिटी क्लाइमेट प्लान्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पीएम मोदी इनोग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम इन विच स्टेट ऑन सितंबर 29, यानी कि पीएम मोदी ने 29 सितंबर को किस राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया? वो स्टेट है ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में पीएम मोदी ने इनोग्रेटेड किया है, उद्घाटन किया है किसका? 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का, किसके अंडर है? जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर है। और कब किया गया है ये उद्घाटन? 29 सितंबर को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच नेशन टू सपोर्ट द डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा, यानी कि भारत ने किस राष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें डी कार्बन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन किया गया है? इंडिया ने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? ऑप्शन बी न्यूजीलैंड के साथ, जो किसको सपोर्ट करता है? डी कार्बनाइजेशन को, यानी के कार्बन को कम करना। साथ ही साथ ये एग्रीमेंट एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा को सपोर्ट करता है। इंडिया के नीति आयोग और एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड्स और न्यू दिल्ली ने साइन किया है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट इन शॉर्ट SOI, किसको सपोर्ट करने के लिए? डीकार्बोनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा को, ताकि क्लीनर और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। और इंडिया ने कब साइन किया है इस एग्रीमेंट पर? 28 सितंबर को। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।